जय माता दी फ्रेंड्स, सभी लोगों को नौ दुर्गों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर मैं अपनी चौकी लगा रही हूँ और मैं नहा चुकी हूँ और यहाँ पर मैं जो है जो मूर्ति लेके आई थी माता रानी की, तो वो निकालूँगी और उसके बाद फिर ये नारियल है और बताशे, रोली, लोएवान और गंधक जो सामग्री में मिलता है मिलाते हैं वो है। तो मैं यहाँ पर जो है सामग्री निकालूँगी थोड़ी सी एक प्लेट में और बाकी जो है मैं इसे बांध कर रख दूँगी, जैसे कि जब ये कम पड़ेगी तो और निकालूँगी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी लोएवान और गंधक और जो गूगल होता है, एक्चुअली वो मैं मुझे याद नहीं रहा, गूगल भी डलता है इसमें, तो मैं इसमें लोएवान और गंधक डाल दूँगी और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा बूरा इसमें ऐड कर दूँगी और इसमें घी मैं लास्ट में मिलाऊँगी, बाद में मिलाऊँगी सबसे। और ये कुछ मखाने हैं, ये दो चार मखाने भी मैं इसमें तोड़ कर डाल दूँगी और फिर इसके बाद मतलब पूरी जो तैयारी है वो मैं कर कर रख लूँगी। उसके बाद हम सब लोग बैठ के पूजा एक साथ करेंगे। इसमें इलायची और जो इलायची होती है हाँ, जायफल वगैरह सब इकट्ठा करके रख लूँगी। फिर मैं सब लोगों को बुला लूँगी, सब आ जाएंगे और सब लोग फिर पूजा करेंगे। मम्मी हैं, डेजी, पापा जी वगैरह सब पूजा कर लेंगे फिर यहाँ का। तो मैं बस उसी की तैयारी कर रही थी। और ये है बताशे, और बताशे और लौंग का जोड़ा तो मतलब, और यहाँ पर जो है मैंने सारा सामान लगा लिया था। उसके बाद मैं अपनी माता रानी को ड्रेस वगैरह पहनाऊँगी और मैंने इन्हें ना हल्का सा गंगा जल से मतलब छींटे लगा दी थी, जो कहते हैं ना बिल्कुल मतलब पवित्र कर देते हैं, स्नान करा दिया था। और मैंने यहाँ पर इनकी ड्रेस जो मैं लेकर आई थी, लहंगा वगैरह, वो पहना रही हूँ और चुंदरी मतलब उड़ा दी है। और फिर उसका जो है मैं मुकुट पहनाना भूल गई थी, तो फिर मैंने फिर से इन्हें इधर करा और मैं अब इन्हें मुकुट पहनाऊँगी। और इसमें मैं मुकुट के जो पीछे की जो डोरी होती है वो बहुत छोटी सी थी, उससे वो बंधने में नहीं आ रहा था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा जो है कलावे से उसे बढ़ा दिया था, जिससे कि वो अच्छी तरह से बन जाए, इजीली बन जाए और कुछ दिक्कत ना हो। तो बस मैं वही कर रही थी मुकुट में। उसके बाद हम आ गए थे किचन में और मैं और डेजी किचन में काम कर रहे थे, जो मखाने वगैरह हैं वो भून रहे थे और चाय वगैरह बनाई थी हम लोगों ने। सो पापा जी भी आए हुए थे ऊपर, तो हमने पापा जी को भी रोक लिया था कि मतलब चाय वगैरह पी के ही जाना, उनका भी फास्ट था। तो ये जो वीडियो शूट कर रहा है, वंश जो है शूट कर रहा है, हमें नहीं पता था कि वंश शूट कर रहा है। और बाद में मैंने इसे देखा कैमरे फ़ोन में, तो ये वीडियो थी। और यहाँ पर इसके डैडी जो हैं वो सोए हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो मॉर्निंग में ही आते हैं नाइट ड्यूटी कर, तो ये यहाँ पर सोए हुए हैं।
तो यहाँ पर हमने अपनी टीवी रख ली है। पहले ये वाली टीवी इस वाले रूम में नहीं थी और ये टीवी हमने अभी रखी है इस वाले रूम में। पहले जो है ये टीवी बाहर वाले रूम में थी, इस वाली जगह पर थी वो पहले टीवी, जहाँ कैरम बोर्ड रखा हुआ है, जो बोर्ड लगा हुआ है ऊपर, यहाँ पर वो टीवी पहले रखी हुई थी। क्योंकि गर्मी हो रखी थी तो बाहर वाले रूम में ही हम लोग रहते थे ज़्यादातर। ये पापा जी हैं तो वो वेट कर रहे हैं चाय और नाश्ते का। तो पापा जी सोच रहे थे कि वंश इनकी फ़ोटो ले रहा है, तो वो थोड़ा मुस्कुराने लग गए थे। तो ये जो वीडियो है वो शूट करी है वंश ने, जिसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पता था मुझे कि वंश शूट कर रहा है वीडियो। तो ये हैं मेरे पापा जी, मेरे ससुर जी। उसके बाद हम और डेजी नीचे आ गए थे नाश्ता वगैरह कर, और यहाँ पर हम लोग महावर लगा रहे थे। महावर लगाना हमें बहुत अच्छा लगता है, और महावर ना हम लोगों में लगाया जाता है, इसे भी 16 श्रृंगार में ही आता है ये, और इसे लगाते हैं। कुछ लोग पता है इसे नहीं लगाते हैं, बोलते हैं कि मतलब, तो हम और डेजी यही बात कर रहे थे कि कुछ लोग महावर नहीं लगाते हैं और हमें तो इतना अच्छा लगता है महावर लगाना, और इस तरह से हम लोग दोनों बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग महावर लगा रहे हैं अपना, और ये रेड रेड पैर हो जाते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, और डेजी भी बोल रही थी कि मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं ये। ऐसा लगता है जैसे कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मी जी के पैर हों, एकदम रेड रेड से हो जाते हैं। तो और आज डेजी को जो है जाना है अपने मायके, मतलब मेरठ जाएंगी वो आज, तो इसलिए वो महावर वगैरह लगाने के बाद वो करेंगी। यहाँ पर जो है डेजी कर रही हैं मेरठ जाने की तैयारी, उन्हें मेरठ जाना है। एक्चुअली उनकी मम्मी की जो है तबीयत ठीक नहीं है, तो वो इसलिए जा रही हैं वहाँ, और दो तीन दिन रुक के भी आ जाएंगी, और तो बस वहीं जाने की तैयारी कर रही हैं। और जो मेरे देवर हैं वो अभी कुछ काम से गए हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि आप तब तक रेडी हो जाओ और मैं अभी आता हूँ। तो वो अपनी तैयारी में, मतलब अपनी पैकिंग करने के लिए लग गई थी। और फिर उसके बाद हमने करे थे आलू फ्राई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक भी।